गुड मॉर्निंग एवरीवन, वन्स अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। तो पिलाने आमे आर पूर्व पार्ट रे पढ़ी तुमर जो सरल सह समीकरण जहाँ किसी भी बेसिक कनसेप्ट तार हाफ आम पढ़ी नहीं थे से तुम थिला जो साधारण रूप कहीपार तुम्हें लेखचित्र माध्यम केमी समाधान करा जाए दुटा इक्वेसन को एवं तार ज्यामितिक परिप्रकाश केमी करा जाए इक्वेसन रेटा आम देखी। तो यही भिडियो आम आज डिस्कसन करवा तुम्हारे जो रही सह समीकरण द्वयर समाधान पर सर्त रही तीन टा सर्त रही तुमको कही अन्य समाधान जोटा कि गोटे समाधान थिला एवं असंख्य समाधान एवं कौन सी भी समाधान नुह। तो से तीन टापा आम सर्त रही सर्त तीन टा कौन कौन रही केमी आम देखा उदाहरण सहायत में तुमको ये बुझेबी। तो वीडियो को शेष जाए निहाती भाव देख वीडियो जदि पसंद आसो निहाती भाव लाइक करनब और चैनल को जदि सब्सक्राइब करना नुआ आस चैनल को ताले एबे ही सब्सक्राइब करने हो। ठीक अच्छे तो आम आरंभ करवा बेसिक कनसेप्ट आम चली पार्ट टू वीडियो आम करवा सरल सह समीकरण जीवा स्टार्ट करवा। तो देख ये मुझे एग्जांपल लेची तुम्हारे सह समीकरण द्वार समाधान पर सर्त तीन टाक देखा आम। तो फास्ट में गोटे एग्जांपल लेची दुटा इक्वेशन नहीं इक्वेशन दुटार मुझे साधारण रूप तुम मानक देखेदेवी कल जो प्रकार मुझे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन ये गोटे इक्वेशन। ठीक अच्छे सेकेंड इक्वेशन रूप कौन हो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। ठीक अच्छे यहाँ कहीं लिखिली मुझे तुमको इजी हम जो तुम यार वैल्यू गुड़िक बाहर कर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू तो से तुमको इजी हो। तो देख फास्ट आम वैल्यू बाहर करवा तो कमी लिखा ना एठारे कौन होम ए वन रैल्यू दरकार तो ए टू रैल्यू दरकार बी वन रैल्यू दरकार बी टू वैल्यू दरकार। ठीक अच्छे सी वन एवं सी टू तो ये दुटार वैल्यू आमको दरकार। तो कमी बाहर करवा देख ए वन ये तुम लक्ष्य कर एक्स रहग को आम कौन नहीं ए वन नहीं एक्स रहग के एक्स रहग जदि किसी भी ना तो एक। ठीक अच्छे तुम मैंने देख जिते भी कौन सी जिनसर सहग दे एक्स कि वाई रही से इजिली एक पकईदेव तो आम ए वन वैल्यू के आसला एक आसला से भाई आम देख प्लस बी वन वाई तो बी वन ये कौन अच्छी बी वन वाई तो बी वन के टू हो। ठीक अच्छे से भाई आम सी वन के माइनस थ्री अच्छी। ठीक अच्छे से भाया देख ए टू के हम दुई हम बी टू के माइनस वन हम मन रख माइनस अच्छे मैंने माइनस चिन्ह ही दब जदि प्लस अच्छे प्लस चिन्ह दब। ठीक अच्छे सी वन सी टू के माइनस वन अच्छी। तो बर्तमान आम ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू रैल्यू बाहर कर नहीं। तो बर्तमान आम देखा सर्तटा कौन रही सर्तटा हूँ तुम जदि ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू हम ताल ये कौन हम ना गोटे मात्र समाधान तुम रहा। ठीक अच्छे समीकरण द्वयर गोटे मात्र अन्य तुम कहीपर। ठीक अच्छे अन्य समाधान रहा बुझिपार कि ना ना देख जेहेतु ए वन बै ए टू ये भेरीफाई कर ना ए वन के एक अच्छी तो मुझे करके देखा देख ए वन के एक अच्छी बै ए टू ए टू के दुई अच्छी इक्वाल टू बी वन के दुई अच्छी बी टू के माइनस वन अच्छी केवे भी इक्वाल हम कि नट इक्वाल टू सब वाले हम। तो जेहेतु ये आम ये इक्वेसन दीटा यू साटिस्फाए कला ये इक्वेसन रण हम ना गोटे मात्र समाधान ही रुझिपार कि ना। तो ये गोटे मात्र समाधान रहा कौन समीकरण द्वारा गोटे मात्र अन्य समाधान रत मन रख यही फर्माटा आसला। ठीक अच्छे दुईटा इक्वेसन को तुम कला बेले जिते बी जिनसटा साटिस्फाए कर ए वन बै ए टू नट इक्वाल टू बी वन बै बी टू से तुम मैंने कह यार कौन एकम्र ही समाधान संभव हो पार। ठीक अच्छे तो आउ गोटे जिनस ना समीकरण द्वय संगत एवं स्वतंत्र है। ठीक अच्छे तुम यही जो क्वेश्चन आस संगत और स्वतंत्र। ठीक अच्छे तो समीकरण द्वय संगत और स्वतंत्र मध्यपर तो दुटा पॉइंट मन रख जिते ए वन बै ए टू नट इक्वाल टू बी वन बै बी टू हुए सेत समीकरण द्वयर गोटे मात्र अन्य समाधान संभव एवं समीकरण द्वय कौन हे संगत और स्वतंत्र हे बुझिपार कि ना। तो क्लीयर हो सब नेक्स्ट बढ़िया आम आग को समीकरण दुईटार जो असंख्य समाधान रही कौन सत्य रही देखा। नेक्स्ट देख आम द्वितीय इक्वेशन में देखा ए जो द्वितीय एग्जांपल देखा दुटा इक्वेशन मुझे
ठीक अच्छे यही इक्वेशन दुटार मुझे थोड़े कहूनी तुमको ए वन ए टू बी ए वन एक्स बी वन एक्स ये आज साधारण फर्म देखनी तुमको तो तुम मैंने बुझीपार प्रथम जो उदाहरण थी तो ये आम डायरेक्ट ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू रैल्यू बाहर करने तो देख कमी हम तो यठार मुझे कौन लिखी ना ए वन इक्वल टू के तुम मैंने कह एक अच्छी ठीक अच्छे एगुड़ा काढ़िया चेष्टा कर सब तुम जो ये चैप्टर रही है चैप्टर टी जगह ये जिनसटा तुमको काम आसो ठीक अच्छे ए टू के कह दुई अच्छी ठीक अच्छे बी वन देख बी वन के एक बी टू के दुई अच्छी सी वन से भाई के माइनस तीन अच्छी एवं सी टू अच्छी माइनस सिक्स बुझिपार कि ना तो कम गोटे कम्प्लीट आम कौन ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू बाहरी गला बर्तमान आम कंपेयर करवा तीनो जाक तीनो जाक कौन अच्छी तो देख मुझार भैल्यू पकेबी ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू इक्वाल टू सी वन बै सी टू ये आम नहीं देखा यहाँ इक्वाल हो नट इक्वाल होटी तो देख आर भैल्यू गुड़िक पकेबा तो ए वन बै टू के हाफ अच्छी बी वन बै बी टू के वन बै टू अच्छी बी वन जगह एक बी टू जगह दुई ओके सी वन सी टू से भाया माइनस तीन बै माइनस छ तो ये तुम कह हाफ इक्वाल टू हाफ इक्वाल टू तो माइनस तीन बै माइनस छ नुह तो केमी हम ना कह देख ये मुझे कैनसल करदेवि माइनस तीन दुगुणे छ तो एक बै दुई आसब कि ना कह तो तीन जगह कौन हो गला सामान हो गला अर्थात ये जो कंडीशन टा ये सैटिस्फाई कला ठीक अच्छे जिते बी कंडीशन टा सैटिस्फाई कर सेत कौन हम ना समीकरण द्वारा असंख्य समाधान ठीक अच्छे असंख्य समाधान समीकरण दुटा जिते बार तीनो जाक इक्वाल हो वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू इक्वाल टू सी वन बै सी टू हो अर्थात कौन ना एक्स रहगर जो अनुपात इक्वाल टू वाई रहगर अनुपात इक्वाल टू जो ध्रुवक ध्रुवांकर अनुपात आम जिते बड़े सामान हो जाए से कौन हुए ना तार असंख्य समाधान रमें अनेक गुड़े समाधान तार बाहर करदे पार एवं आउ गोटे जो कंडीशन रहा तुम कौन ना संगत आ निर्भरशील हे दीट जाक कौन हे समीकरण द्वय संगत एवं निर्भरशील हे निर्भरशील हे तो तुम मैंने चाहिए यार नोट्स कर किंबा मु तुमको नोट पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर देबी ठीक अच्छे आम टेलीग्राम चैनल जाइए जॉइन कर टेलीग्राम ग्रुप रही डिस्कशन से जॉइन कर दीट जेकर लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता छड़ा तुम मैंने वेबसाइट रही वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी सेठी की जाकि विजिट कर पार से तुमको प्रोवाइड करदेवी तो आम जिते बेसिक पार्टा सर मुझ बेसिक पार्टर तुम जहाँ भी रही पीडीएफ नोट से प्रोवाइड करदेवि ठीक अच्छे तो तुम यू चाहिए भी नोट कर नचे मुझे तुमको पीडीएफ नोट प्रोवाइड करदेवि से तुम नोट कर पार ठीक अच्छे तो यहाँ देख आम सेकेंड इक्वेशन जो सेकेंड एग्जांपल थिला जे कौन हम असंख्य समाधान पर तो यहाँ हो गला कौन तार कंडीशन ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू इक्वाल टू सी वन बै सी टू एवं आउ गोटे कंडीशन कौन संगत एवं निर्भरशील हे तो देख तुम उदाहरण नंबर तीन कौन रही तो उदाहरण नंबर तीन में दुटा इक्वेशन नहीं सेम ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू काड़दबा तो ए वन इक्वाल टू ए टू इक्वाल टू ए वन इक्वाल टू के कह एक ए टू इक्वाल टू एक तो बी वन इक्वाल टू ये एक अच्छी बी टू इक्वाल टू एक अच्छी सी वन के देख माइनस तीन सी टू के माइनस फाइव अच्छे ये तुम देखी पार जहाँ भी मुझे कली दुटा जिनस कर सारे अलरेडी तो तुम मैंने यहाँ भलसे बुझीपार नेक्स्ट देख आम कौन करवा आर अनुपात काढ़ ठीक अच्छे ए वन बै ए टू के एक बै एक हम बी वन बै बी टू के एक बै एक हम सी वन बै सी टू के माइनस तीन बै माइनस पांच हम ये देख माइनस माइनस कैनसिल कर ठीक अच्छे तो बर्तमान आर अनुपात आम देखा कौन रिलेसन आस वन बै ए टू इक्वाल टू कौन बी वन बै बी टू हो ना देख ना एक बै एक जहाँकि एक बै एक से तापर इक्वल टू सी वन बै सी टू हो ना तो देख ये तीन बै पाँच केवे भी एक बै एक सहित सामान हो पार ना तो ये कौन होटा ना नट इक्वाल टू हो तो ये देखिपार जो कंडीशन टा आसला बर्तमान ये कंडीशन टा हूँ तुम थार्ड कंडीशन थार्ड कंडीशन में कौन कहला ना यहाँ हो कौन तुम कौन सी भी समाधान संभव हो पार ना ये दुईट जगार ठीक अच्छे तो समीकरण द्वारा कौन सी समाधान संभव नुह ठीक अच्छे संभव नुह
आम कौन सी समाधान यू पाइबा ना। ठीक अच्छे तो यहाँ कौन हो गोटे यार जो रिटे कौन ना असंगत असंगत। ठीक अच्छे समीकरण द्वय असंगत हे जिते बार ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू हुए नट इक्वाल टू सी वन बै सी टू हुए ताल कौन हम ना कौन सी समाधान संभव हे ना एवं से जिनसटा असंगत हे तुम टेबुल रही तुम जो बुक्रे रही तुमने से प्रिपेयर कर पार तो यहाँ तुमको जो थिला एग्जांपल आकार में बुझेदेली तो तुम मैंने भावी भलसे बुझीपार बहुत ही इम्पोर्टाट यो जिनसटा रही तुम बोर्ड एग्जाम तीन चार मार्क आसे तो से भलसे पढ़ापी चेषा कर एवं फंडामेंटल को क्लीयर करने चेषा कर जदि भी कौन जगह तुम डाउट रोचे निहाती भाव कमेंट बक्स में तुम पचार मुझे क्लीयर करने तो किसी एग्जाम्पल आम कर देखा यो जिनस गुड़क प्रयोग करी एग्जाम्पल आम बर्तमान करवा। ठीक अच्छे बर्तमान आम जो तीन टा सर्त पढ़िले से तीन टा सर्त केमी प्रयोग कराए क्वेश्चन रे केमी तार क्वेश्चन गुड़िक आसे से जिनस गुड़क आम बर्तमान देखा तो फास्ट क्वेश्चन टा देखा तार कौन रही देख के क्यों मूल्य गुड़िक फोर एक्स प्लस के वाई प्लस एट इक्वाल टू जीरो टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इक्वाल टू जीरो समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव हम। ठीक अच्छे तो अनन्य समाधान यहाँ आम पढ़ा नेक्स्ट टाइम पढ़ा असंख्य समाधान तार नेक्स्ट टाइम पढ़ा कौन सी समाधान संभव नुहे जो क्वेश्चन गुड़िक आसे तुम ए भाया ही क्वेश्चन आसे एग्जाम ठीक ए भाया ही क्वेश्चन आसे। ठीक अच्छे तो आम सल्व करवाक प्रथम स्टेप देख तुम जहाँ किसी भी देखिए इक्वेसन यू बाहर करके भाया लिखने वो प्रथम दीटा इक्वेसन को तुम ये लिखि नहीं तो ये नेक्स्ट कौन करवा आम ना लिखा एठार जहाँ भी आम करते ए वन बै ए टू। ठीक अच्छे ए वन रैल्यू बाहर करवा ए वन के फोर अच्छी बी वन भैल्यू के के अच्छी। ठीक अच्छे जहाँ भी अच्छी सी वन के एट अच्छी से भाया आम ए टू रैल्यू ये बाहर करवा टू। ठीक अच्छे बी टू रैल्यू के टू एवं सी टू रैल्यू हो टू भल से चेक कर नब। ठीक अच्छे टीके भी जब माइनस प्लस भूल हो तुम पूरा क्वेश्चन भूल हो तो भल से चेक कर नब जे ठीक भैल्यू तुम बाहर कर तापर कौन करवा ना देख तापर आसव तुम्हें क्वेश्चन रे कौन दे समीकरण द्वारा अनन्य समाधान संभव अनन्य बाय आम कौन पढ़ले बर्तमान सत ना ए वन बै ए टू नट इक्वाल टू बी वन बै बी टू तो अनन्य समाधान सत कौन अनन्य समाधान सत। ठीक अच्छे समाधान सत कौन अच्छी कह ना ए वन बै ए टू नट इक्वाल टू बी वन बै बी टू। ठीक अच्छे जदि यो आम रही सर्तटा जदि ये फलो कला ताहले ठीक अच्छे एटार के मूल्य बाहरी पड़ो तो ये आम पकईदे भैल्यू गुड़ ए वन बै ए टू बी वन बै बी टू रैल्यू तो देख ए वन रैल्यू ये के फोर ए टू रैल्यू के टू नट इक्वाल टू देखिए नट इक्वाल दवा बी वन रैल्यू के अच्छी बी टू रैल्यू के टू अच्छी। ठीक अच्छे तो बर्तमान कर के देख ये दुई कैनसल करदे दुई एक दुई दुगुणे चार तो ये आम वज्रगुण करदे के इंटु एक के नट इक्वाल दवा दुई दुगुणे चार वज्रगुण करवा समस्त जाच नवम क्लास पढ़च तो ये के आसला कहल के जिते बड़े के मूल्य जिते बड़े चार हम ना अर्थात नट इक्वाल टू हम चार व्यतीत अगर जेको भैल्यू पर साटिस्फाए कर तो के भैल्यू जिते बड़े चार हम ना से आम अन्य समाधान संभव हो पार। ठीक अच्छे तो तुम लिखिपार जे के भैल्यू चार व्यतीत अगर जेको भैल्यू हेल्ले ये अन्य समाधान संभव हो पार बुझेगा कि तो ये तुम जो फास्ट क्वेश्चन रे सेकेंड क्वेश्चन आम देखा कौन रही तो बर्तमान देखा क्वेश्चन नंबर दुई तुम जो असंख्य समाधान संभव रही तो देख के क्यों मूल्य के एक्स प्लस थ्री वाई माइनस के माइनस थ्री होल ब्राकेट रही के माइनस थ्री। ठीक अच्छे इक्वाल टू जीरो ट्वेल्व एक्स प्लस के वाई माइनस के इक्वाल टू जीरो समीकरण द्वारा असंख्य समाधान संभव ताल आम ये देख दीटा इक्वेसन आम ये जो बाहर कर तो फास्ट स्टेप कौन हम आम ये ना आम ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू को बाहर करने तो यार कौन हो वन के कहल के अच्छी बी वन के कहल तीन अच्छी एवं सी वन अच्छी ये माइनस के माइनस थ्री होल ब्राकेट। ठीक अच्छे तो ये ए टू के जहाँ भी देखिए लिखा। ठीक अच्छे ए टू हो बार बी टू होते के एवं सी टू हूँ ये माइनस के। ठीक अच्छे बाहर करने बर्तमान आम कौन करवा सर्त प्रयोग करवा कौन समीकरण द्वारा असंख्य समाधान कौन सर्त अच्छी आम करते ना ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू
इक्वल टू सी वन बै सी टू ठीक अच्छे तुम लिख असंख्या समाधान सर्त होटा ठीक अच्छे तो बर्तमान आम ये भैल्यू पकईदे तो ए वन जगह के ठीक अच्छे ए टू जगह के ट्वेल्व अच्छी इक्वाल टू बी वन जगह थ्री अच्छी बी टू जगह अच्छी के अच्छी इक्वाल टू सी वन जगह पकईदे माइनस यहाँ गुणी देखिए माइनस इंटु के माइनस इंटु माइनस प्लस थ्री के थ्री हो ठीक अच्छे प्लस थ्री बै तले के सी टू इक्वाल टू माइनस के ओके तो बर्तमान आम भैल्यू पकईदे यू आम बाहर करवा बर्तमान वज्रगणन करके के रैल्यू गुड़ बाहर करवा तो प्रथम देख ये जिते बार आस तो प्रथम ए दीटा को आम गुणी की बाहर करवा वज्रगणन करपर आम ए दीटा को वज्रगणन करके बाहर करवा तो देख कौन आस्यू तो ये प्रथम कर के इंटु के के स्क्वायर इक्वल टू बातर की छत्तीस तो के रूल्य के छत्तीस रूट ओवर इक्वल टू प्लस माइनस थर्टी सिक्स ए सरी प्लस माइनस सिक्स तो ये आसा गोटे भैल्यू कौन प्लस सिक्स आ गए माइनस सिक्स के रैल्यू जो प्लस सिक्स आ माइनस सिक्स हुए से कौन यहाँ असंख्य समाधान संभव हो पार आउ कौन रही देखा ए दीटा को कले आउ थे बाहर तो ये आम कर ए दीटा को ठीक अच्छे देख कौन हो वज्रगणन कर थ्री इंटु माइनस के माइनस थ्री के इक्वाल टू के इंटु माइनस के स्क्वायर प्लस थ्री इंटु के थ्री के तो ये देख कौन वन साइड कर दियो यटा को ए जिनसटा को एपट को नहीं आसा तो माइनस थ्री के तो माइनस के स्क्वायर आसे एपटे कौन हो प्लस के स्क्वायर ये प्लस थ्री के माइनस थ्री के इक्वल टू जीरो कौन हो के स्क्वायर माइनस सिक्स के माइनस थ्री के माइनस सिक्स के इक्वल टू जीरो तो ये देख के इंटु के माइनस सिक्स जदि आम कमन नहीं जा गोटे के तेल देख बर्तमान ये दुटा जिनस गुणिले जीरो होती अबिययसली गोटे जीरो होती ठीक अच्छे ना ना तो दुटा जिनस गुणिले जीरो होती अबिययसली गोटे जीरो होती तो ये आम नहीं पार कौन गोटा को जीरो नहीं पार आ गोटा को आम छपर बुझिपार कि ना तो देख के मूल्य को आम ये जीरो नहीं पार गोटे आ गए के मूल्य आम छपर तो ये गोटे जीरो हो पार कि के मूल्य छपर बुझिपार लगे जिते बी के मूल्य जीरो होगा के मूल्य छत आमर असंख्य समाधान संभव हो पार क्लीयर नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन कौन देखिए देख देखिए के मूल्य पर फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो और टू एक्स प्लस के वाई इक्वल टू जीरो समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव हो ठीक अच्छे पुणी थोड़ा असंख्य समाधान पचार दुटा आम इक्वेशन प्रथम लिखने कौन अच्छी फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस के वाई इक्वल टू जीरो तो दुटा इक्वेशन आम बर्तमान लिखि ना ठीक अच्छे तो बर्तमान जमी आम प्रोसेस करते एठारे कौन ए वन के फाइव बी वन के माइनस थ्री सी वन ये ना ठीक अच्छे तो किसी आवश्यक ना ए टू के टू एवं बी टू के ठीक अच्छे तो बर्तमान असंख्य समाधान पर सर्त कौन ना असंख्य समाधान पर सर्त कौन ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू इक्वाल टू सी वन बै सी टू तो ये तो आम सी वन बै सी टू ना किसी आवश्यक ना जदि आम सी वन बै सी टू देनी तो आम यहाँ को कौन करवा लिभेदे पार ठीक अच्छे यही सर्तने आम प्रयोग करके कार तो देख ये आम भैल्यू गुड़िक पुट करवा ए वन जगह पाँच पकेबा ए टू जगह दुई पकेबा इक्वल टू बी वन जगह माइनस थ्री बी टू जगह के पकेबा बर्तमान आपको वज्रगणन कर दियो फाइव के इक्वल टू के माइनस सिक्स तो के मूल्य के माइनस सिक्स बै फाइव ए फाइवटा एपटे आसिक हरण हो गला बुझेगा तो के मूल्य माइनस सिक्स बै फाइव जिते हम से कौन हम ना असंख्य समाधान संभव हम ए दुटा इक्वेशन पर तो सबकि जहाँ भी किसी तुम क्लीयर हो सारी समीकरण समाधान पर सर्त जो तीनो क्लीयर हो सारी जदि भी किसी डाउट रोचे कमेंट बक्स में पचारि पार नचे आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करके तुम क्वेश्चन से पचारि पार तुम क्वेश्चन को क्लीयर करने चेष्टा करी ठीक अच्छे तो आर नेक्स्ट वीडियो आम देखा अनुशीलन एकर एटार जहाँ किसी भी क्वेश्चन रही क्वेश्चन गुड़ी करवा तो से चैनल को सब्सक्राइब करनियो ये वीडियो जब पसंद आसी लाइक करनियो निज सांगसाथी सहित जोर शोर से शेयर करनियो धन्यवाद।